आज के टॉपिक में, जैसा कि रूटीन टॉपिक लेते हैं, उससे थोड़ा सा नया टॉपिक लेते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल जो आपको बहुत परेशान करते हैं, आप हेजिटेट रहते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, कहीं किसी से डिस्कस करने शर्माते हैं, तो ऐसे टॉपिक। एक पहला आपने टॉपिक लिया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बहुत ही छोटी छोटी बेसिक स्मॉल जो फैक्ट्स हैं वो बताए थे। आज हम लोग रह रहे हैं क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के विद इन अ क्विक, बहुत ही जल्दी आप किस तरीके से उसके फैक्टर कर सकते हैं, आसानी से कैसे फैक्टर किए जाए। ये शुरुआती दौर में, इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर आप फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट फैक्टर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एक हमने बोर्ड पर एक क्यूबिक इक्वेशन ली है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, रूटीन जो मेथड है रिमाइंडर थ्योरम, उस थ्योरम से ना जाके हम एक शॉर्टकट अपनाएंगे। आप उसको ध्यान दें और जब अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगी, आप विद इन अ सेकेंड किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कर सकते हैं। ये फैक्ट है और ये होगा भी, देखते हैं। लास्ट जो कांस्टेंट है उसका आप फैक्टर कर लीजिए, तो 2 × 3 × 1 भी। अब फैक्टर आपने कर लिए, कहने का मतलब 1 × 2 × 3 ऐसा आपने माना, तो फैक्टर आपका 1 आया, 2 आया और 3 आया। इनमें से कोई एक, मैंने बोला कांस्टेंट को उठाएंगे लास्ट वाले को, अब उस कांस्टेंट का फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर मतलब प्राइम नंबर के टर्म में लिख लेंगे, तो आपने प्राइम नंबर के टर्म में ले लिया, 1, 2, 3 इसके फैक्टर आ गए। उनमें से कोई एक वैल्यू आप यहाँ पे रख के देखिए, तो हम सपोज एक्स इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं। तो हमने रख के देखा 1 − 6 + 11 − 6, तो हमने देखा 12 − 12। ये वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है, इसका मतलब एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर। एक बात और बताते चलें, अगर x बराबर माइनस 1 रख के सेटिस्फाइड होता, अगर होता तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, सपोज हमने किया है, पर अभी ऐसा नहीं है तो इसलिए अभी इस तरीके की बात नहीं होगी। बट हमने यहाँ पर क्या रखा है, 1, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब देखिए हमारी कितने डिग्री की इक्वेशन है, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री की है। तो आप क्या करेंगे, इसी फैक्टर को 3 बार इत्मीनान से लिख लेंगे। अगर 2 डिग्री की होती, जितने डिग्री की होगी उतने ही बार करेंगे। 3 डिग्री की है तो कितने बार किया जाएगा, 3 बार ऐसे लिखा जाएगा। 2 डिग्री की होती 2 बार, 4 डिग्री की होती 4 बार। तो जितने डिग्री के है उतने बार आप इत्मीनान से इस फैक्टर को लिख लीजिए। हर एक स्टेप को आप बहुत ही आराम से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दोबारा फिर आप इस पर अप्लाई करने वाले हैं, आप जीवन में इसको अप्लाई करेंगे। तो बहुत ध्यान दीजिए कि 3 बार मैंने इसको लिख लिया। अब आई बात बैलेंसिंग की, आपके सहूलियत के लिए हम एक बार फिर से इसको बिल्कुल पास लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x² + 11x − 6 = 0, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। अब हमारा टारगेट क्या है कि पहले वाले टर्म को हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हम किसका मल्टीप्लाई करें, जो पहला वाला टर्म एक्स क्यूब मिल जाए एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, एक्स क्यूब। मगर इसके साथ साथ हमारा एक माइनस एक्स स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर एक बना और हमें चाहिए कितने, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो माइनस का माइनस सिक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए और माइनस एक्स स्क्वायर बना है, तो हमारे माइनस हमें 5x² की और जरूरत है कि नहीं है, तो वो कैसे पूरी होगी आगे से, एक्स पहले से हमारे पास तैयार है तो माइनस 5x कर दें कि नहीं कर दें। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x² मिलके क्या बना, माइनस 6x², मगर हमारा क्या बन गया, 5x एक्स्ट्रा बन गया, बना कि नहीं बना, 5x एक्स्ट्रा बना, चाहिए क्या 11x, तो 5x बन चुका है, 11x बनाने के लिए कितना चाहिए, 6x की और रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, 5x बन चुका है, 6x और मिल जाए 11x बन जाएगा, वो कहाँ से बनेगा, आगे से। तो हम x मेरे पास है ही, तो हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 6 किसका, प्लस का, 6x और 5x मिलके क्या बन गया, 11, और आगे क्या बन चुका है, -6, वो किससे मैच हुआ, इससे, इसके बराबर क्या कर दें, 0। पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, इतना से आसानी से बैलेंस होगी, क्योंकि उसका फैक्टर जो है वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लास्ट में जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आगे वाले शुरुआत वाले टर्म को बैलेंस करते जाइए, लास्ट में ऑटोमेटिक बैलेंस होगी। अब आपको क्या करना है, एक्स माइनस 1 को आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 =
जीरो, इसको फैक्टराइज करना हम जानते हैं और अभी सीख भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से विदाउट रिमाइंडर थ्योरम, मुझे लगता है कि जब आपको एक्सप्लेन किया तो मुझे मुश्किल से बहुत कम समय लगा, और जब करेंगे तो क्विक सेकेंड में आप कर सकते हैं। चलिए आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन बता चुके हैं, अगर आपको नहीं आया तो ये तो जरूर आना चाहिए, दोबारा पकड़ने की कोशिश करिए। लास्ट वाले टर्म को इतना से बताएंगे, फैक्टराइज कर लीजिए, इस तरीके से फैक्टर हो सकते हैं। तो आप फैक्टर इस तरीके से हो सकते हैं, तो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, यानी इन वन या माइनस वन रखे देखेंगे, टू या माइनस टू रखे देखेंगे, फोर या माइनस फोर रखे देखेंगे। सबसे पहली वैल्यू पकड़ने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। तो आप क्या करिए, वन अगर रख के देखिए, ध्यान दीजिए, वन रख के देखिए तो निगेटिव 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 बहुत सारे निगेटिव हो जाएंगे। नहीं, मैं बोलो कि अगर वन रखा तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव, पॉजिटिव कम हो गया तो जीरो नहीं होगा। तो क्या रखें, माइनस वन, क्या रख के देखें, माइनस वन, ठीक है। इतना आंसर रखिए, क्या आया, माइनस वन, यहाँ क्या आया, माइनस वन, यहाँ क्या आया, प्लस टेन, यहाँ क्या आया, माइनस एट, क्या आया, माइनस टेन, प्लस टेन, क्या मिला, जीरो। तो इनमें से सबसे पहली वैल्यू बहुत जल्दी आपको निकालनी है, तो वन और माइनस वन में क्या मिला, माइनस वन। तो हमने बताया था अगर माइनस वन रखने पे आता है तो आप किसको रखोगे, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, तीन बार क्यों किया गया, तीन डिग्री का था, तीन बार किया गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आया वो अभी आया, ध्यान देना है, बैलेंसिंग पे जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल पास में लिख देते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें ध्यान में आती रहें, कैसे आप पकड़ेंगे ये ध्यान देना है। एक्स क्यूब बनाना है, क्या बनाना है, एक्स क्यूब, एक्स में कितना मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का, क्या बना, एक्स क्यूब, साथ साथ क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, बनाना कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन चुका है, एक प्लस का बना, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस टू एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब कितना हो चुका है, माइनस टू एक्स, कितना चाहिए, माइनस टेन एक्स, माइनस टू एक्स हो चुका है तो माइनस एट का मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस एट एक्स और माइनस टू एक्स, माइनस टेन एक्स, माइनस एट हो गया, बैलेंस हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से बैक कर सकते हैं भाई वीडियो में, सिंपल है, दोबारा बताने से अच्छा है कि आप बैक कर लो ना, जीरो कर दो, इसको फैक्टर कर लोगे कि नहीं, क्वाड्रेटिक का तो फैक्टर कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, दोनों तरीके से करते हैं, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। क्या सिखाया गया था, इसका और इसका आपस मल्टीप्लाई करिए, तो वन और एट का मल्टीप्लाई किया, अब इसके ऐसे फैक्टर करिए कि सम या इसका सम या सब्ट्रैक्शन दो के बराबर हो, तो चार दूनी आठ, चार में से दो घटाएंगे तो क्या बचेगा, दो, तो इसको लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट बराबर जीरो, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस फोर आया, प्लस टू कॉमन लिया एक्स माइनस फोर आया, ओवरऑल क्या कॉमन लिया, एक्स माइनस फोर, इधर क्या आया एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब एक्स माइनस फोर बराबर जीरो करने पर क्या आ गया भाई, एक्स बराबर फोर, एक्स प्लस टू करने पर जीरो पर करने पर क्या आया, एक्स बराबर माइनस टू। ये आप करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं कर पाते तो ये तो जरूर सीख लें भाई। दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट बराबर जीरो, आपने इसके फैक्टर किए, टू इंटू फोर आया, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस फोर में से कोई रख के देखिए, जल्दी फटाफट देखिए जो सेटिस्फाइड कर जाए। अगर आप टू रखेंगे प्लस का टू रखेंगे तो ये निगेटिव, अब ये निगेटिव बहुत बड़ा निगेटिव, तो माइनस टू रखे देखें, एक्स बराबर माइनस टू रखने जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो आया फोर और माइनस टू रखोगे तो क्या आएगा, प्लस फोर और माइनस एट, क्या आया, जीरो। क्या रखने पर आया, तो एक्स प्लस टू को कितने बार लिखेंगे, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि दो डिग्री की है, बैलेंसिंग करनी है, दो डिग्री की वजह से दो बार लिखा, तीन डिग्री होती है तो कितने बार लिखते, तीन बार, चार डिग्री होती है तो कितने बार लिखते, चार बार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम बैलेंस करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर चाहिए कितना मल्टीप्लाई, एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो गया, प्लस टू एक्स बन गया, जबकि चाहिए कितना, माइनस टू एक्स, दो पॉजिटिव बना, माइनस दो चाहिए, तो माइनस फोर का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स, माइनस टू एक्स हुआ, ऑटोमेटिक आगे बैलेंस हुआ कि नहीं, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। बाकी हमने यहाँ सॉल्व किया है, दोनों मेथड से आप कंफर्टेबल हुए, क्यूबिक भी जानी, क्वाड्रेटिक भी जानी, अब आप कोई भी क्वाड्रेटिक हो बहुत ही आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, क्यूबिक हो वो भी आसानी से कर सकते हैं,
ज़्यादातर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में ही हमारी मैथ्स निपट जाती है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक का बहुत बहुत कम यूज़ होता है, जब इसका यूज़ होगा फ्रेंकली होगा तो आगे उसके लिए भी कुछ बनाएंगे। अभी तक यहीं तक रखेंगे, आप प्रैक्टिस करिए, इसको अप्लाई करिए, कोई दिक्कत हो फिर से आप यहाँ पर लिखिए, इसे भी शॉर्ट हो तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। इस तरीके के वीडियोज़ पर भी हम लोग काम करते रहेंगे, कैसा लगा ज़रूर लिखिए यहीं पर। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने शॉर्टकट लगा दिया है आपको, आप एक बार अप्लाई करिए, अगर इजीली लग जाते हैं तो वर्किंग है, और इसको आप अपना एक हथियार बना लीजिए, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, आपको देखा ही है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हो सकता है पहली बार में समझ में आए, और मुझे लगता है कि आप जब एक बार अपना लेंगे तो इसी को अपनाएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है।